चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। बेसिक्स में एक ही चीज़ समझने की जरूरत है, जब हमें एक क्वेश्चन मिलता है हमें यह देखना होता है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को बिलोंग करता है। अगर वो किसी भी एक टाइप को बिलोंग करता है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, जिसके ऊपर हमने वीडियोस बना के रखे हैं, टॉपिक कवर हो चुका है, प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। बट अगर वो किसी भी टाइप को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, तो हमें उस क्वेश्चन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसी को रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म कहते हैं। अब ऐसा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बट इस वीडियो में हम रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म वाला तरीका क्या होता है वो देखेंगे। अब रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म का तरीका ये कहता है कि जब हमारा क्वेश्चन हमें मिलता है, हमें ये देखना है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को बिलोंग करता है। लेट्स से या लेट्स अज्यूम कि वो क्वेश्चन इस टाइप को बिलोंग करता है, तो हमें चेक करना है कि क्या वो सच में इस टाइप को बिलोंग करता है, या हमें चेक करना है सबसे पहले। उसके बाद जब हम श्योर है, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है वो तुम्हें फॉलो करनी है, और कुछ समय के बाद आपका क्वेश्चन इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो टाइप है, ये जो फॉर्म है, या ये जो टाइप है और ये जो फॉर्म है, मतलब ये दोनों के दोनों जो फॉर्म्स है वो दोनों के दोनों फॉर्म सेम है, मतलब आपने आपके क्वेश्चन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये और ये सेम है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें एज अ सोल्यूशन में लिखा है तुम्हें फॉलो करना है और आंसर निकालना है, सिंपल एज दैट, इजी पीजी, राइट। अब एक प्रॉब्लम लेंगे, सारी की सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। ये हमारा प्रॉब्लम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म का क्वेश्चन है? देखो, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होता था, तो क्वेश्चन में एक सेपरेट एक्स होता था या तो एक सेपरेट वाई होता था, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन में ना सेपरेट एक्स है ना सेपरेट वाई है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये पहचानने का एक तरीका होता है, ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं जो मैं अलग अलग वीडियोस में बताते रहता हूँ डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, बट इस वीडियो में ये वाला तरीका ज़्यादा फेवर करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी लेट्स से कि अभी हमारा क्वेश्चन रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म का क्वेश्चन है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को बिलोंग करता है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे dy बाई dx है, तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म को बिलोंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हुआ तो अच्छी बात है, मतलब वो इसी फॉर्म को बिलोंग करता है, देन सॉल्व करेंगे। बट अगर नहीं हुआ तो हमारे पास बाकी के भी रास्ते हैं। अब जो हमारा ये फॉर्म है, इसमें आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, P और Q दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ X है, और दूसरी चीज़ ये फंक्शन ऑफ Y है और ये उसका डेरिवेटिव है। मतलब फंक्शन ऑफ Y, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2y लिखा तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ Y, और अगर सपोज मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू Y डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा 2, तो ये उसका डेरिवेटिव है। तो क्वेश्चन में ये दोनों की दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तभी वो क्वेश्चन इस फॉर्म का क्वेश्चन कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको और हमारे क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं और ये टर्म लाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। बट ये टर्म लाने के लिए हमें फंक्शन ऑफ y का पता होना ज़रूरी है। अब हमारे क्वेश्चन में देखो, अगर सपोज हमने e raised to y को कंसिडर किया तो ये हमारा फंक्शन ऑफ y बन सकता है। अब ऐसा क्यों मैंने बोला, ऐसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि अब ये तो फंक्शन ऑफ y है ही, बट अगर सपोज हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा e raised to y, जो हमारे क्वेश्चन में है। कैसे है मैं आपको बाद में बताऊंगा, और ये जो e raised to y है वो y का डेरिवेटिव भी है, ठीक है। मतलब अगर सपोज हम हमारे क्वेश्चन में कैसे भी करके दो e raised to y ला सके, तो हमारे क्वेश्चन में ये जो दो टर्म्स हैं वो आ जाएंगे। अब ये कैसे लाएंगे हमारे क्वेश्चन में, देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e raised to x माइनस वाई को मैं e raised to x अपॉन e raised to y भी लिख सकता हूँ, एंड e raised to x माइनस e raised to y। तो अभी हमारे क्वेश्चन में ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है, अब हमें बस अरेंज करना है। तो अभी यहाँ पे dy by dx के बाजू में डेरिवेटिव है, मतलब इसके बाजू में हमें e raised to y कैसे भी करके लाना पड़ेगा, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे e raised to y से सारे के सारे टर्म्स को। सो e raised to y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अगर हमने इसको e raised to y से मल्टीप्लाई किया तो नीचे का e raised to y चले जाएगा, सो e raised to x इंटू e raised to x माइनस e raised to y, खत्म। अब
ये और ये सेम आ चुका है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये लाइक मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सो ई रेज़ टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और अगर कोई नॉर्मल इंसान है वो भी सॉल्व ही करने वाला है क्योंकि हमें इसको उस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। सो ई रेज़ टू एक्स इंटू ई रेज़ टू एक्स दैट इज ई रेज़ टू टू एक्स माइनस ई रेज़ टू एक्स इंटू ई रेज़ टू वाई, राइट। अब ये और ये सेम है, उसके बाद प्लस पी और फंक्शन ऑफ वाई है। तो अभी फंक्शन ऑफ वाई हमें पता है ई रेज़ टू वाई है, तो हमें कुछ भी करके इस y को उधर लेके जाना पड़ेगा और उसके बाजू में p भी लाना पड़ेगा। तो अभी इसके बाजू में p तो है बट इसको हमें उधर लेके जाना पड़ेगा। तो सिंपल है, इसको हम उधर लेके जाएंगे। सो दैट इज e रेज टू y dy अपॉन dx प्लस e रेज टू x इंटू e रेज टू y एंड इज इक्वल टू e रेज टू 2x। अब ये एग्जैक्टली एक्चुअली उस फॉर्म में आ चुका है। देखो ये तो था ही, प्लस p फंक्शन ऑफ y, ये हमारा p है और ये फंक्शन ऑफ x भी है तो एकदम बराबर है। उसके बाद फंक्शन ऑफ y, ये हमारा फंक्शन ऑफ y है और था भी, मैंने प्रूफ कर दिया था स्टार्टिंग में। एंड इज इक्वल टू q, ये हमारा q है और ये q हो भी सकता है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x भी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है। अब क्योंकि ये इस फॉर्म में आ चुका है तो यहाँ पे आगे जो भी मैंने लिखा है तुम्हें बस सॉल्व करना और आंसर निकालना है। सो पुट फंक्शन ऑफ y, दैट इज e रेज़ टू y इज इक्वल टू u, उसके बाद डेरिवेटिव दैट इज e रेज़ टू y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, देन उसके बाद डी ई बिकम्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी यू इज इक्वल टू क्यू। अभी यहाँ पे p क्या है, देखो p फंक्शन ऑफ y, तो अभी इसका मतलब ये हमारा p है, ओके। एंड e रेज टू x और उसके बाद u एंड इज इक्वल टू q। अभी q क्या है, ये हमारा q था राइट, अगर कंपेयर किया तो। सो e रेज टू 2x, e रेज टू 2x। अब ये जो हमारा फॉर्म है और ये जो फॉर्म था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, दोनों के दोनों फॉर्म सेम है। तो इसीलिए अभी यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है तुम्हें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग, मैंने कहा सेम है बट जस्ट वाई के जगह पे यू है तो वेरिएबल चेंज उतना चलता है। तो अभी यहाँ पे एज अ सोल्यूशन मैंने क्या लिखा है, जो भी लिखा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पता होना जरूरी है। उसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो उसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सो दैट इज ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है, अब यहाँ पे ये पी है एंड ये क्यू है राइट। सो ई रेज टू एक्स डी एक्स। सो अगर सपोज हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया तो ई रेज टू एक्स ही आएगा। सो दैट इज ई रेज टू एक्स, ओके, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। उसके बाद आगे हम सॉल्यूशन के ऊपर जंप करेंगे। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to integration of q into integrating factor and then dx plus c, okay, and one more thing, it's not y, it's u, क्योंकि y की जगह पर हम u पे u लिखते हैं यहाँ पे। so we gonna substitute things, so that is u into integrating factor that is e raised to x is equal to integration of q. What is q? p and q, so this q e raised to 2x into integrating factor that is e raised to x and after that dx plus c. We are gonna solve this. अभी सॉल्व करने से पहले ना मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ये तो e raise to 2x है, उसको मैं e raise to x ही वैसे को ऐसा e raise to x dx plus c लिखूँगा। ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट ऐसा करने के पीछे का एक हिंट ये भी है, यहाँ पे हमने e raise to x into e raise to x को हमने e raise to 2x substitute किया था, लिखा था, तो we are doing it back, reverse, ठीक है। बट ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब हमें ऐसा सॉल्व करना होता है, ये मैंने मेरे काफ़ी वीडियोस में बता के रखा है, जो e के टकले पे होता है उसको आपको एक वेरिएबल से सब्सिट्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू e raise to x, e के टकले पे e raise to x है। सो इसको ये पुट कर देंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टी इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये ई रेज टू एक्स डी एक्स है, ई रेज टू एक्स डी एक्स है, और यहाँ पे ई रेज टू एक्स है, ई रेज टू एक्स है, और यहाँ पे भी ई रेज टू एक्स है, तो इसको हम डी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे।
इसको हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको भी हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग तो हमें मिलेगा यू इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी ई रेस टू टी देन डी टी इज इक्वल टू सी सॉरी प्लस सी माई बैड। सो अभी यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है और हम विद रिस्पेक्ट टू डी इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू वी रूल लगेगा। अगर इंटीग्रेशन का यू वी रूल है तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, लाइट यूज़ करना पड़ता है, यही उसका शॉर्टकट होता है। लाइट कैसे यूज़ करेंगे, एल आई ए टी ई, जिसमें एल लॉगरिथमिक होता है, आई यूज़ नहीं होता है कभी, ए अल्जेब्रिक होता है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे ये अल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। अब अल्जेब्रिक सबसे पहले आता है और एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, और इसीलिए ये हमारा यू है, ये हमारा वी है। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि यू को तुम्हें वैसे ही रखना है, उसके बाद वी का इंटीग्रेशन करना है। अगर तुमने v को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी तो e रेस टू टी ही आएगा, उसके बाद माइनस पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन। अगर सपोज तुमने t को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर आएगा 1, और e रेस टू टी को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी तो e रेस टू टी ही आएगा। उसके बाद ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, सेम पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर आएगा 0, एंड आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देन 0 आएगा एंड प्लस सी। सो अभी हम क्या करेंगे, ई रेस टू टी को कॉमन लेंगे, दैट इज ई रेस टू टी टी माइनस 1 एंड प्लस सी यू इंटू ई रेस टू एक्स का ये आंसर है। अब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर हमने इधर लिखते हैं रीसब्स्टिट्यूट, अगर हमने रीसब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे यू को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ई रेस टू वाई। लोग अक्सर इधर यू को रीसब्स्टिट्यूट करना भूल जाते हैं। सो ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू टी, व्हाट वाज टी, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 1 प्लस सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। व्हाट्स अप प्लैनेट ओजे सामी, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं। नोट्स में मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जांपल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे। इसीलिए अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन दो प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है, और इसलिए आप यहाँ पर जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉडल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, और इसे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, राइट। इसीलिए अभी का भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।